आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बस जोन में भाकी नेताओं का विरोध प्रदर्शन, डीएम के सामने रखी कई मांग। भारत नेपाल सीमा पर जवानों का मार्च, सीमा से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग। सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय में शर्मसार घटना, पढ़ाई से पहले हाथों में झाड़ू पकड़ाया गया। लखीमपुर खीरी में गोला गोकरनाथ सीट पर चुनाव, मतदान केंद्रों पर कर्मचारियों की तैनाती। गोंडा में जमीनी विवाद में दबंगों ने की बमबाजी, पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक एसकेडी एकेडमी के 25वें स्थापना दिवस और संस्थान के संस्थापक एसकेडी सिंह के 78वें जन्मदिवस के अवसर पर एसकेडी एकेडमी वृंदावन योजना शाखा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर और पूर्व एसकेडी एकेडमी की छात्रा पूजा तिवारी ने अपने मधुर सुर से मंत्र मुक्त कर देने वाली प्रस्तुति दी। इस दौरान एसकेडी सिंह की जीवन यात्रा को दर्शाते पुस्तक प्रतिबिंब का विमोचन भी किया गया। साथ ही डायरेक्टर मनीष सिंह समेत सभी शाखाओं के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य व शिक्षक समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता ने एसकेडी समूह के संस्थापक एसकेडी सिंह और सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह से खास बातचीत की। प्राप्त हुआ कि आज हमारे बड़े सर का जन्मदिन है और 25 साल पूरे हुए हैं और हमारे साथ हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक जी भी हैं और जो सीधा दिल्ली से यहाँ आए पधारे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग मिल के ये बड़ा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ विद्यालय, ये ऑडिटोरियम जो है विद्यालय का नहीं है, बल्कि ये समाज की सेवा के लिए हमने इस मन से बनाया है ताकि यहाँ के लोग आएँ, समझें, मिलें और आप समस्याओं को, हम लोग समस्याओं का मिलकर समाधान कर सकें। इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये समय जरूर रहेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि व्यवसाय बन चुका है, इससे किस तरह लगे? देखिए, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब क्योंकि हमारे बड़े सर हैं जो 40 साल से पढ़ा, लिविंग लेजेंड है, आज भी पढ़ा रहे हैं, उन्हीं का ब्लड हम लोग में है, तो हम लोग ऐसा काम कर नहीं सकते। ये हमको लेगेसी मिली है कि हम लोग अच्छा काम करें, गरीबों को मदद करें। अब हम लोगों का बल हमारे साथ हैं तो हम लोग इसको और बढ़ चढ़ के इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे लखनऊ में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसका सौभाग्य हम लोग को एसकेडी ग्रुप के माध्यम से मिल रहा है। समय में एसकेडी ग्रुप और क्या करने वाले? देखिए, आगे आने वाले समय में एसकेडी ग्रुप एक तो हॉस्पिटल खोलने जा रहा है डॉक्टर आशीष सिंह अंडर में और एक छठी ब्रांच इन्हीं के क्षेत्र में हम बहुत लेटेस्ट खुलवाएंगे और मेरा मन है कि इन्हीं से ही इनॉग्रेशन भी करवाएंगे। ये मेरा मन, उसी मन से हम बनवा रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार इम्प्रूवमेंट होता रहे, यही आपका लक्ष्य और यही काम मनीष सिंह साहब कर रहे हैं। हमने और मनीष सिंह साहब ने IIT धनबाद में इंजीनियरिंग साथ में करी, हमारा 35 वर्षों का साथ है। मनीष जी लगातार सेवा कर रहे हैं जनता की, ऐसे ही करते रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। थैंक यू। एसकेडी एकेडमी में यहां के संस्थापक एसकेडी सिंह का आज जन्मदिन मनाया गया। इस मौके हमारे साथ मौजूद हैं एसकेडी सिंह जी, आपका जन्मदिन मनाया गया और बड़ी संस्था आपकी रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। आज जो है छोटा सा पौधा जो लगाया था आज तो बड़ा हो गया, हमारे सब असेट आ गए, मैं धन्य हो गया, यही मेरी कमाई रही। बस इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं मिलेगी। मैं बहुत बहुत भगवान का शुक्र जागरो कि कम से कम ये दिन देखने को मिला। लंबा शैक्षिक अनुभव रहा है आपका, इसको कैसे देखते हैं? वो बच्चों को सेवा करते रहे, पढ़ाते रहे, खूब आराम से कट गया, वो याद नहीं आता तो कौन कैसे कष्ट रहा, गरीबी रही, कमेरी रही, क्या रही, बरसात रही, ठंडक रही, कुछ नहीं, पढ़ाने में ही पूरा जीवन कट गया, अच्छा कटा। इस मौके पर हमारे साथ सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह जी हैं जो आए हुए शामिल होने के लिए। जनप्रिय नेता हैं और तमाम विकास के कार्य इस समय सरोजनी नगर में लगातार जारी हैं। अभी भी कई विकास के कार्य उन्होंने बताया है कि हम कर रहे हैं और कॉलेजों की स्थापना को लेकर भी उन्होंने वही बात कही है। सर को
जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्री एसकेडी सिंह साहब का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है वह वंदनीय है, अतुलनीय है। आज 10,000 से ज़्यादा बच्चे एसकेडी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा मिल रही है। सर को जितनी भी इसमें प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक पिता के रूप में दोनों पुत्र बहुत अच्छा कर रहे हैं, मनीष आशीष। आशीष का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है, मनीष स्कूलों को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और समाज के लिए गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। मैं तो देखता रहता हूँ, जिसके लिए हम लोग कहते हैं उसको इतना बिल्कुल फीस माफ़ कर देना, उसको और ज़्यादा ध्यान देना, गरीबों के प्रति जो सर का समर्पण है उनको शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। सरोजनी नगर के विकास के लिए भी आप तमाम बातें आपने कही हैं, उसके बारे में बताइए। सरोजनी नगर में मेरे यहाँ 193 प्राइमरी स्कूल्स हैं। सारे स्कूलों में बच्चों के लिए झूले लगवा रहा हूँ। 22,000 बच्चे पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ बच्चों को खेलने के अवसर मिले। मेरे यहाँ बेटियों के 7 डिग्री कॉलेजेस हैं। 7 डिग्री कॉलेजेस में डिजिटल लाइब्रेरी लगवा रहा हूँ ताकि बेटियों को जो किताब की अवेलेबिलिटी चाहिए वो डिजिटली उनको अवेलेबल रहे। 2 स्कूलों को मैंने गोद लिया है, सबसे बड़े जो प्राइमरी स्कूल थे उनको एक तरह से एक मॉडल विद्यालय के रूप में बना रहा हूँ। उनका स्ट्रक्चर भी चेंज कर रहा हूँ, नए क्लासरूम्स बनवा रहा हूँ, स्मार्ट क्लासेस बनवा रहा हूँ। जिस भी कार्यक्रम में जाता हूँ, जिस गाँव में भी जाता हूँ, वहाँ 5 बेटियों को 5 बेटों को ज़रूर बुला के पुरस्कृत करता हूँ, प्रशस्ति पत्र देता हूँ जिनके अच्छे नंबर आए। युवाओं को प्रेरित करना यही हमारा दायित्व, इन कामों को निरंतर कर रहा हूँ मैं। रायुष सिंह एक बड़ा नाम है निश्चित रूप से, जिस तरह जनप्रिय छवि आपकी, पुराना कारण अनुभव रहा है आपका, उस कारणों के हिसाब से सरोजनी नगर के लिए और क्या करेंगे? सरोजनी नगर को एक मॉडल विधानसभा बनाना है। यहाँ यूनिवर्सिटी का कैंपस आ रहा है, सड़कों के लिए बहुत कार्य हो रहा है, NCDC का सबसे बड़ा केंद्र यहाँ पे स्थापित हो रहा है, स्टेडियम में यहाँ पे लखनऊ का दूसरा स्टेडियम बनवाने जा रहा हूँ, उसका प्रपोजल जा चुका है, अंडरग्राउंड केबलिंग, बिजली, पानी, सड़क, सारे क्षेत्रों में बहुत कार्य हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह, इनका कहना है कि तमाम विकास की जो इतिहास है हम यहाँ पर बनाएंगे, विकास का काम करेंगे, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिससे सरोजनी नगर का चौमुखी विकास होगा। आने वाले समय में तमाम तरह की और योजनाएं सामने आएंगी और कितना विकास होगा फिलहाल भविष्य गर्भ में निहित है। एक बात तो साफ है कि जनप्रिय छवि और लंबा कार अनुभव ये बताता है कि इस बार सरोजनी नगर की जो तस्वीर है वो बदल के रहेगी और लाभ मिलेगा यहाँ की जनता को। क्या पर्सन नीरज के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम TV, लखनऊ। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ के रिक्त सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। आपको बता दें कि 3 नवंबर को गोला विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों पर 1700 से ज्यादा कर्मचारी की तैनाती की गई, जिसमें वहां किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। 3 नवंबर को गोला विधानसभा उपचुनाव होना है, उसके लिए पोलिंग पार्टीज हमारी यहाँ मंडी परिसर से डिस्पैच हो रही हैं। सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सारे जोनल मजिस्ट्रेट, सारे अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 50% पार्टियाँ डिस्पैच हो चुकी हैं और विद इन आवर पूरी पार्टियाँ डिस्पैच हो जाएंगी। सभी पार्टियों को हम लोग बस से रवानगी करा रहे हैं ताकि उनको कोई समस्या ना आए। सभी बूथ 441 बूथ हैं, सभी बूथों को हमने CAPF से कवर किया है। CAPF में BSF भी है, CISF भी है, CRPF भी है, ITBP भी है, सभी लोग, सभी बूथों को हमने CAPF से कवर किया है। इसके अलावा जो बूथ के बाहर की व्यवस्था है वो लोकल पुलिस प्लस जो बाहर से पुलिस आई हुई है वो समुचित पुलिस व्यवस्था है, समुचित। हिंदू सनातन धर्म में गोपाष्टमी त्यौहार का काफी महत्व है। इसकी कड़ी राजधानी लखनऊ के जानकीपुर स्थित लक्ष्मण गौशाला में गोपाष्टम के पर्व पर गाय की पूजा की गई, जिसमें गाय को नहलाकर उनका तिलक कर धूप नैवेद्य चढ़ाकर परिक्रमा की गई। वहीं इस खास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे, साथ ही क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए क्षेत्र के BJP विधायक नीरज बोरा ने कहा कि गाय की सेवा करना हमारा परम धर्म होना चाहिए, साथ ही सूबे के मुखिया CM योगी की जमकर तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गौ सेवा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मैं गजेंद्र सिंह, प्रबंधक श्री लक्ष्मण गौशाला। आज लक्ष्मण गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया, जिसमें कि यूपी कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी और स्थानीय विधायक नीरज बोरा जी उपस्थित रहे और यहाँ पे गौ पूजा का कार्यक्रम हुआ। कहीं गौवंश के मिलता है तो उसको लाके गौशाला में सुपुर्दगी में दिया जाता है। किसानों को भी अतिरिक्त गौशालाओं से भी या सीधे भी किसानों को भी गौ को पालने के लिए दिया जाता है। किसान भी
व्यापारी भी, अन्य सामाजिक लोग भी, सभी लोगों के प्रति बड़े समर्पित। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां जब चूल्हा चढ़ाती हैं तो घर में जो पहली रोटी बनती है वो गौ के नाम की निकलती है। उसके कारण से भी गौ के प्रति श्रद्धा, व्यापारी छोटा छोटा व्यवसायी वो भी चाहे एक रुपया दान निकाले पर प्रतिदिन कोई ना कोई दान जरूर निकालता है गौ माता के लिए। तो गौ का समर्थन लगातार हो रहा है। आज जगहों के कारण से जो समाज में तत्कालीन सरकारों के अंदर एक सामाजिक सद्भाव पे हमेशा कुठाराघात होता था, आज सामाजिक सद्भाव बना है, गौ हत्याएं बंद हुई हैं और लगातार गौ का समर्थन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और पूरे प्रदेश के लोगों को इस अवसर पर गौ रसोई को लेकर आज गौ पूजन के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की रीढ़ जिस प्रकार है गंगा, गौ, गणेश, गायत्री, गीता, इस हमारी जीवन की शैली हैं जिनका संरक्षण हम सब के लिए जरूरी है। गंगा माता का सम्मान होगा तो, गौ माता का सम्मान होगा तो, गणेश पूजन हुआ तो, गायत्री पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करती है। ये ऐसी समायिका हैं जिनका समर्थन करके हम सब लोग सुरक्षित भी रह सकते हैं, हमारा जीवन भी सुरक्षित रहता है और हमारे जो बच्चे आने वाली पीढ़ियाँ हैं अगर गौ का सम्मान करेंगी, गौ की सेवा करेंगी, गौ के आजीविका का साधन संपन्न करेंगी तो निश्चित रूप से उन पर भी 33 करोड़ देवताओं की कृपा। मंत्री जी, सैकड़ों हजारे गाय जो है लावारिस घूम रही, उन पर क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी उनके लिए? कहीं इक्का दुक्का घूम रही होंगी लेकिन जब जब सरकार को पता लगता है उनको पकड़ करके उठा करके वहां से और उनको सही स्थान पर नियोजित करने का काम होता है, गौशालाओं में भेजने का। आज के दिन ही गौ चरण का काम करने का काम शुरू किया था, तब से गोपाष्टमी का पर्व बनता है। भगवान कृष्ण की गौ, गौ का संवर्धन, गौ का वंश और बलराम जी का हल यानी खेती, तो खेती और गौ संरक्षण ऐसा मिला के जो जीव देश की आजीविका है, देश की अर्थव्यवस्था है, वो खेती पर निर्भर है और खेती तभी संभव है जब किसान और गौ को धन ऐसा मिलकर के प्रगति करें। जो आज पंचगव्य के द्वारा यानी गाय का घी, गोबर, दूध, दही ऐसा मिला करके जो पंचगव्य से ऊर्जा भी मिलती है, मान्यता है कि गौ के दूध से बुद्धि का विकास होता है और सब लोग माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी लेने के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा है और गौ का संवर्धन हुआ है और कोई भी गौशाला में गाय, जितनी गौशालाएं हैं उन सब में गौओं को आर्थिक मदद भी मिल जाती है, सामाजिक स्तर पर भी बहुत बड़ा काम होता है और अगर इधर उधर गाय को घूमती हैं तो उनको भी गौशाला में आके बांधा जाता है। मुख्यमंत्री जी पर मुझको लगता है कि आज दोबारा मुख्यमंत्री बने और आज उनकी बात में इतना दम है कि हिंदुस्तान ही दुनिया भर में उनकी बात की मान्यता होती है, तो मुझको लगता है कि गौओं की बहुत बड़ी कृपा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर है और उसके कारण से लगातार जो आज काम करते हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। औरैया जिले के दिव्यापुर में एक अनियंत्रित ट्रक ने कोचिंग से घर जा रही छात्रा को कुचल दिया जिससे छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस देर से पहुंची। नाराज ग्रामीणों ने छात्र के शव को सड़क पर रख दिया जिससे सड़क पर जाम लग गया। घटनास्थल पर फोर्स के साथ डिप्टी एसपी पहुंचे जहां ग्रामीणों को समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना को अंजाम देने वाला ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उसका नाम दीक्षा राकेश यादव की लड़की है, कॉलेज दर्शन महाविद्यालय से लौट रही थी और ट्रक ने उल्टी साइड जाके उसको टक्कर मार दी, एक्सपायर हो गया और प्रशासन कम से कम एक घंटे बाद आया है। कोई भी नहीं था, सीओ साहब आए और कोई भी नहीं आया। उसके बाद ये मिट्टी उठाने कह रहे जब तक कोई एसपी और डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक ये मिट्टी नहीं उठी। घटी है क्या करें, थाना कोतवाली क्षेत्र के प्रियापुर और तुकीपुर के पास में एक गुड़िया है जो है स्कूल से लौट रही थी, इसका जो है एक नंबर के द्वारा जो है एक्सीडेंट हुआ है जिसमें गुड़िया की तत्काल में मौके पर डेथ हो गई है। हम लोग पंचायत नामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम पीएम हाउस के लिए भिजवाया जा रहा है, अगली विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, लोगों ने जाम वाम लगाया था, लोग प्रशासन लेट पहुँचा है जानकारी के साथ, तो हम लोग तत्काल पहुँचे हैं वैसे, बाकी जाम थोड़ा बहुत लगातार जो है उसमें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोगों से बात हो गई है और लोग जो है सहमत से। खबर श्रावस्ती से, जहां पुलिस और एसएसबी की टीम ने भारत नेपाल की सीमा पर अवैध पदार्थ और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए पैदल मार्च निकाला। साथ ही सीमा से होकर गुजरने वाले वाहनों की सघन चेकिंग भी की। एसएसपी ने मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में कहा कि संदिग्धों की जानकारी देने वालों की सूचना पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।
खबर बिजनौर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के 12 से ज्यादा किसानों ने कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गन्ना भुगतान, आवारा पशुओं की रोकथाम और ट्रैक्टर ट्राली पर सवारी बैठाने पर लगे जुर्माने को हटाने के संबंध में डीएम को ज्ञापन सौंपा है। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत भी की थी। एक ज्ञापन का भी प्रोग्राम है मुख्यमंत्री से, उसके माध्यम से जो हमने मांग रखी है। एक तो किसान ट्रैक्टर का उपयोग अपने खेती के लिए करता है, लेकिन उस पर रोक लगा दी मुख्यमंत्री ने, कुछ अर्थदंड भी उस पर घोषित करा है। भाई किसान अपने निजी काम के लिए भी ट्रैक्टर को अपने उपयोग में लावे, किसान के पास इतना पैसा तो है नहीं वो और किसी साधन से अपने काम कर सके, अपना कहीं जा सके। भाई लेबर को भी लाना है, सारे काम करने हैं, तो उसके लिए है एक समस्या ये है। दूसरी समस्या जो कटीले तारों पर रोक लगाई है, भाई किसान अपनी फसल को बचाने के लिए जंगली जानवरों से कटीले तार लगा लेता है, लेकिन भाई मुख्यमंत्री जी ने उस पर रोक तो लगा दी, लेकिन हमारी ये मांग है कि भाई आप उस पर रोक लगा रहे हो तो किसान को सब्सिडी। गोंडा में खिरौरा मोहन गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने बमबाजी की। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। इस घटना में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच के बाद 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे दरवाजे पर जो है रामकिशन और उनके 2 बेटे विशाल और विकास, प्रदीप तिवारी, अर्जुन मिश्रा, बाबू पांडे, राम जियावन और कुछ ऐसे अज्ञात लोग थे जो उजाले में पहचाने नहीं जा सके अंधेरे में। सभी लोगों ने एक साथ एकाएक करके जो है बम मारना शुरू कर दिया। यहाँ आए थे मार करने, हम लोग हल्ला बाहर सुन के दौड़े और हम लोगों को भी बम मार दिया। और क्या नाम, राम किशन, उनके 2 लड़के और प्रदीप तिवारी, राम जियावन, अर्जुन और बाबू पांडे और क्या नाम है मोनू और। खबर रायबरेली से है। यहाँ एक परिवार एसपी कार्यालय के बाहर न्याय की गुहार लगा रहा है। पूरा मामला है कि इस परिवार की किशोरी के साथ पड़ोस में रह रहा युवक लगातार छेड़छाड़ कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवक लगातार उनकी बेटी को परेशान कर रहा है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी अश्लील मैसेज भेजकर मानसिक प्रताड़ित कर रहा है। परिजनों का कहना है कि इसकी शिकायत उन्होंने संबंधित थाने में की, लेकिन वहां कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर वो अब एसपी के पास न्याय की आस में आए हैं। घटना हुई कि हम लोग घर में थे अकेले, कोई आदमी हमारे घर में नहीं थे, और हम अंदर थे, हमारी लड़की बाहर गई बाथरूम करने के लिए। इसके लड़का आया लल्लन का, वो इसको दुपट्टा पकड़ के घसीट के लिए जा रहा था, कह रहा था कि चलो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। और हम जब ये चिल्लाने लगी तो हम गए तो बचाने के लिए, तो सब पूरे लोग आए, तो वो लोग भी आए पूरे लोग, हम लोग भी थे अपने दो तीनों लोग, और मिल के वो लोग हम लोग को मारे पीटे। सीतापुर में विश्वा ब्लॉक में भेरा प्राथमिक विद्यालय में बेहद हैरान और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां स्कूलों में पढ़ने वाले मासूमों को पढ़ाई से पहले हाथों में झाड़ू पकड़ा दी जाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पूरा मामला तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। विद्यालयों की साफ सफाई के बारे में इधर एक अभियान चला हुआ है और वो प्रदेश से लेकर के जिले के स्तर पर भी अधिकारियों के द्वारा भी, इवन मेरे सभी उच्चाधिकारी ये निर्देशित करते हैं कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस ऑफिस में रह रहे हैं, जिस स्कूल में रह रहे हैं, अगर वहाँ हम साफ़ सफाई का एक माहौल, बेहतर माहौल आपसी समझ से पैदा करें तो एक अच्छी चीज़ निकल करके आएगी। इसके लिए इनिशिएटिव हमारे अधिकारियों ने भी लिया है। इवन मैं भी जब कभी किसी विद्यालय में जाता हूँ तो सफाई को लेकर के स्वयं भी उसमें अपने को शामिल करता हूँ। यही बात मेरे विभाग द्वारा, सरकार के द्वारा भी कही जा रही है कि विद्यालयों को साफ़ सुथरा रखा जाए, ऑफिसेज को साफ़ सुथरा रखा जाए और इसमें पब्लिक को भी जोड़ा जाए। यहाँ तक कि विद्यालय की प्रबंध समिति है, गांव के अभिभावक जन हैं, सबको लेकर के एक साथ चलने की बात कही गई है, उसमें हम भी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।